नमस्कार, प्राइम टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। स्वागत है आपका वीकेंड चर्चा में। देश में रोजगार का संकट बढ़ता जा रहा है। छात्रों को सरकार से कई शिकायतें हैं, जिसे दूर करने के लिए सरकार लगातार काम कर रही है, लेकिन विपक्ष छात्रों की आवाज उठाने में कोई कमी नहीं छोड़ रहा है। सरकारें रोजगार के लिए कई प्रशिक्षण दे रही है, लेकिन सब प्रशिक्षण पर निर्भर नहीं है। कुछ छात्र नौकरी के लिए परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, दिन रात एक करके पढ़ रहे हैं, लेकिन परीक्षाएं नहीं हो रही हैं। कभी कोरोना की वजह से डिले हो रही हैं, तो कुछ परीक्षाएं तो 2 साल से नहीं हुई हैं। छात्र लंबे समय से परीक्षा का इंतजार कर रहे हैं। बात करें यूपी टीईटी परीक्षा की, तो लंबे इंतजार के बाद 28 नवंबर को इसे आयोजित कराया गया। परीक्षा शुरू हो गई और 1 घंटे के भीतर ही खबर सामने आई कि पेपर लीक हो गया है, जिसके बाद परीक्षा को रद्द कर दिया गया और इस बात का ऐलान किया गया कि परीक्षा 1 महीने में ही आयोजित कराई जाएगी। वहीं यूपी टेट की परीक्षा 1 महीने के अंदर तो करा दी जाएगी, लेकिन इसके रद्द होने को लेकर काफी बवाल मच रहा है। विपक्ष लगातार सरकार पर निशाना साध रहा है। वहीं बात करें कांग्रेस की, तो कांग्रेस की तरफ से भी प्रियंका गांधी ने भी एक ट्वीट करा है, जिससे सरकार को आड़े हाथों लिया है। तो यूपी टेट की परीक्षा जब लीक हुई तो कई सवाल उठे। इसमें सवाल छात्रों ने भी उठाए और विपक्ष ने भी उठाए, जहां छात्रों ने अपनी नाराजगी जताई और कहा कि भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है छात्रों के। तो विपक्ष की बात करें तो विपक्ष ने भी जमकर निशाना साधा, कई तरह के सवाल किए और आरोप भी लगाया। आरोप ये लगाया गया कि जो ये पेपर लीक हुए हैं, उसके पीछे भी सरकार का हाथ है, सरकार नहीं चाहती ये पेपर कराना, तो सरकार को आड़े हाथों लिया गया। विपक्ष ने कई आरोप लगाए, जिसका सरकार ने जवाब भी दिया। सरकार ने कहा कि 1 महीने के अंदर फिर से पेपर कराए जाएंगे, यूपी टेट का पेपर फिर से कराए जाएंगे, पूरी पारदर्शिता के साथ कराए जाएंगे। खुद सीएम योगी आदित्यनाथ जनता के सामने आए, उन्होंने बताया कि आखिर क्या वजह थी जो पेपरों को फिर से कराया जाएगा और आज के पेपर को रद्द कराया गया। उन्होंने कहा कि भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं करेंगे, पूरी पारदर्शिता के साथ फिर से पेपर को कराया जाएगा, वादा किया। साथ ही बच्चों को, जो छात्र से दूर दराज से आए थे, उनके लिए भी कई सहूलियतें दी गई, कि जैसे कि उन्हें किराया नहीं देना पड़ेगा अपने घर वापस जाने के लिए, और दोबारा कोई दूसरा शुल्क नहीं देना पड़ेगा उन्हें, दोबारा उनका पेपर कराया जाएगा और किसी भी तरह की तकलीफों का सामना नहीं करना पड़ेगा। और इन्हीं सब सवालों पे हमारे साथ जुड़े हैं 2 मेहमान, जो हमारे कई सवालों का जवाब देंगे। हमारे साथ सपा से प्रवक्ता शिल्पी चौधरी जी जुड़ी हैं और विवेक श्रीवास्तव जी जुड़े हैं, बीजेपी नेता हैं। बहुत बहुत स्वागत है आप दोनों का हमारे वीकेंड चर्चा पे। तो सबसे पहले विवेक जी, मैं आपसे सवाल करना चाहूंगी कि जिस तरह से लगातार विपक्ष निशाना साध रहा है, कई सवाल उठा रहा है, आप क्या कहेंगे कि क्यों पेपर लीक हुआ, इसके पीछे क्या कमजोर कड़ी रही है? ऐसा है कि तभी मेरी पत्नी मेरी हूं, मेरे बाप पूर्ववर्ती सरकारों के संरक्षण में जो रैकेट पनपे, उन रैकेटों पे हमारी सरकार ने लगाम लगाई है। सारी परीक्षा प्रणालियों की शिक्षा बहाल करने का प्रयास भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हुआ है। पूर्ववर्ती सरकारों ने जो परीक्षा कराने के एजेंसियां थी, वो स्वयं घोटाले में लिप्त रहती थी और उनको सरकार का संरक्षण प्राप्त रहता था। तमाम भर्तियों में जो घोटाले हुए, उस सबके सामने सब की जानकारी। भारतीय जनता पार्टी सरकार जब से प्रदेश में बनी है, तब से हमने एक एक एजेंसियों की शुचिता किस तरह से बहाल की जाए, इसकी चिंता की है। चाहे वो लोक सेवा आयोग के अधिकारी हो, चाहे किसी भी परीक्षा के अधिकारी हो, अगर कहीं भी किसी के द्वारा किसी गड़बड़ी में कोई भी शामिल मिला है, तो उसको गिरफ्तार करके उस पर कार्रवाई करने का, उसको जेल भेजने का, और इस यूपी के परीक्षा में बड़े से बड़े नामों को शिक्षकों के पीछे पहुंचाने का काम सरकार ने किया। और उनके जो भी बाप की कमाई से जो अर्जित उनके पास धन संपदा थी, उस पर भी बुलडोजर चलाने का काम योगी आदित्यनाथ जी की सरकार ने किया। विवेक जी, कड़े कदम तो उठाए जा रहे हैं, इसके बाद भी पेपर लीक हो रहा है। जो ये गैंग है, नकलची गैंग, जो पेपर लीक कराती है, बच्चों के पेपर पास करवाती है, तो इन लोगों का जो गैंग चल रहा है, इस पे शिकंजा कब कसा जाएगा? कड़े कदम उठाए जा रहे हैं, उसके बाद भी ये सक्रिय कैसे है? उन्हीं कदमों में एक है, जिस तरह से उनके घर गिराए जा रहे हैं, उनकी संपत्तियां जब्त की जा रही है,
और उनको एनएसए के तहत पाबंद किया जा रहा है। ये बहुत बड़ी कार्रवाई है जी। इतनी कड़ी कार्रवाई अगर पूर्ववर्ती सरकारों ने की होती तो ये पेपर लीक के जो रैकेट्स हैं ये आज नेत्रा दूर होते, इनका नेक्स्ट प्रदेश में पनपाना होता। ये हमारी सरकार ने किया है, नीति परीक्षा एजेंसी की सत्ता बहाल कर हम इसके लिए वचनबद्ध हैं कि एक भी पेपर जो होगा एकदम उसका पारदर्शिता से होगा और किसी भी अयोग्य व्यक्ति का चयन नहीं होने दिया जाएगा, योग्य व्यक्ति ही सब नौकरियों में स्थान पाएंगे। इसके लिए सरकार पाबंद है और स्वयं मुख्यमंत्री जी ने इसमें घोषणा की आगे आकर के परीक्षा बहाली का आदेश, परीक्षा रद्द करने का आदेश दिया, एक महीने के अंदर दोबारा परीक्षा कराने का आदेश दिया, उनके कोई आदेश व्यय न लिया जाए, उनकी यात्रा व्यय भी माफ करने का आदेश दिया। ये सब सारी सहूलियतें सरकार की तरफ से छात्रों को प्रतियोगी अभ्यर्थियों को दी जा रही है। जी, सत्ता तो अपना पक्ष रख ही रही है, विपक्ष भी लगातार निशाना साध रहा है। तो शिल्पी जी, मैं आपसे चाहूंगी कि आप बताएं कि जिस तरह से आरोप तो लगा रहा है विपक्ष, आखिर किन चीजों को लेकर आरोप लगा रहा है और क्या कुछ है सवाल जो आप पूछना चाहेंगी सत्ता से? सत्ता से सवाल क्या पूछा जाएगा, सत्ता से तो जनता सवाल पूछ रही है ना जी। जो सारी बातों का ठीकरा ये पूर्ववर्ती सरकारों पर फोड़ रहे हैं, बड़ी बेशर्मी से फोड़ रहे हैं, खैर करने इनका काम ही यही है, सरकार का पक्ष रख रहे हैं, कोई बात नहीं। लेकिन इनसे ये पूछिए जरा कि 5 साल में 15 परीक्षाओं के पेपर आउट हो गए, पेपर लीक हो गए, इतनी बुरी स्थिति है और ये कह रहे हैं कि पूर्ववर्ती सरकारों ने ऐसा किया ऐसा किया। 4.5 साल आप ये पता ही नहीं कर पाए कि कौन लोग हैं जो 15 परीक्षाओं को जिन्होंने लीक कराया, रिकॉर्ड बना दिया है इन्होंने तो भाई। और तो और जो मुख्य आरोपी है ये बड़े उससे गर्व से कह रहे हैं कि लोगों के घर गिराए जा रहे हैं, इसके अलावा आप लोगों को और आता क्या है? अपराध तो आप नियंत्रण में कर नहीं पा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की मंत्री का भाई है जो प्रमुख आरोपी है, सचिव तक से उसके कनेक्शन निकल कर आ गए, क्या कर रही है ये सरकार, सारी दुनिया देख रही है। और 1 महीने में मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं दोबारा से ये पेपर कराएंगे, झूठ। आचार संहिता लगने एकदम सर पे है, आचार संहिता लग जाएगी। उसके अलावा इन्होंने, आपने कहा कि सरकार खर्चा उठा रही है जो अभ्यर्थी वापस अपने घर जा रहे हैं, वीडियोस वायरल हो चुके हैं, बच्चे अपने खर्चे पे घर जा रहे हैं और रो रो के लड़कियां निकल। महत्वपूर्ण बात कि वो प्रेस सरकारी प्रेस होते हुए भी उस प्रेस में इन लोगों ने इस परीक्षा के पर्चे छपवाए जो कि पिछली 2 सरकारों द्वारा प्रतिबंधित था। प्राइवेट प्रेस, प्रिंटिंग प्रेस जो है वो प्राइवेट प्रिंटिंग प्रेस में इन्होंने पर्चे क्यों छपवाए जहां से ये पर्चे लीक हुए, जब 2 सरकारों ने उसे प्रतिबंधित कर दिया था तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार क्यों उसको इस्तेमाल करने गई? तो विपक्ष के पास तो बहुत सारे ऐसे सवाल हैं, किस किस का जवाब देंगे? हमने तो कभी नहीं कहा कि पिछली सरकार ने क्या किया। बिल्कुल शिल्पी जी, आपसे भी कई सवाल बनते हैं, लेकिन उससे पहले हम विवेक जी चाहेंगे कि आप इसका जवाब दें कि आखिर जो ये सपा भी कह रही है और प्रियंका गांधी ने भी ट्वीट करा था, तो इस बारे में क्या कहेंगे? आखिर ये प्रिंटिंग प्रेस का जो मामला है, जो बीजेपी नेता के भाई का जो नाम सामने आ रहा है, उस पर क्या कहेंगे? देखिए सिद्धार्थ जी, मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूँ, किसी का नाम आए जी, किसी भी नेता के भाई का है, रिश्तेदारों का नाम आए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में बड़ा से बड़ा नाम भी अगर इसमें शामिल होगा तो उसको बख्शा नहीं जाएगा। जो भी इसमें जांच के दायरे में आएगा उसके ऊपर जांच होगी और अगर उसमें सुलभता पाई जाएगी तो गिरफ्तारी भी होगी, बड़े से बड़े लोगों की गिरफ्तारियां भी हुई, उनके ऊपर कार्रवाई भी हुई है। क्योंकि विपक्ष जिस तरह का हो अल्लाह मचा रहा है, साल में आप लगाम नहीं लगा पाए, 15 परीक्षाएं इसी तरीके से पर्चे लेक हो गए, कब आप लगाम लगाएंगे? आपकी सरकार का तो समय पूरा हो रहा है, आप कैसी बातें कर रहे हैं, बच्चों को गुमराह कर रहे हैं, बार बार पेपर लीक करा के आप लोगों को नौकरियां नहीं देना चाह रहे हैं, ये तो एलिजिबिलिटी टेस्ट था, शिल्पी जी देने का टेस्ट नहीं था। शिल्पी जी, जिस तरह से ये सवाल बीजेपी से बन रहा है, सत्ता पक्ष से बन रहा है, इस तरह मैं भी आपसे पूछ सकती हूँ कि इससे पहले तो आपकी सरकार थी, ऐसा तो हुआ नहीं कि 2014 से ही ये जो गैंग है वो सक्रिय हो गया है, तो पहले इन पे लगाम क्यों नहीं लगाई गई थी? आपकी सत्ता में क्या किया गया? अरे भाई, हमने लगाम नहीं लगाई तभी तो ये भ्रष्ट सरकार आई, ये भ्रष्ट सरकार आई है जो उद्घाटन करती है और नारियल से सड़क फूट जाता है, ये स्थिति आप हमसे क्या पूछ रही, इनसे पूछे सवाल।
अगर हमने यहाँ पे किया था तो यहाँ पे सपा भी है, बीजेपी है, सपा का कार्यकाल भी देखा गया है और बीजेपी का कार्यकाल भी पूरा होने वाला है। दोनों से सवाल बनते हैं। देखा होता तो आप इस तरीके के सवाल नहीं करते। दोनों से सवाल बनता है। आपके समय में भी वही गैंग था और आज भी है। दोनों में से कोई लगाम नहीं लगा पाया है। दोनों की सरकार में गैंग भारतीय जनता पार्टी के है, गैंग भारतीय जनता पार्टी के है। 15 परीक्षाएं लीक हुई है भारतीय जनता पार्टी की सरकार में। गैंग की क्या बात कर रही है आप? नाम सीधे सीधे आ रहे हैं। 15 परीक्षाएं लीक होना छोटी बात होती है? छोटी बात है ये? 4.5 साल में कौन सी परीक्षा इनकी बेरोक? विवेक जी जवाब दीजिए, क्या सपा के कार्यकाल में इस तरह के पेपर लीक नहीं होते थे? क्या आपकी जब से सत्ता आई है तभी से पेपर लीक होने शुरू हुए हैं? एक मिनट का समय मुझे सिखा जी, अनाउंस दीजिए जी। बिल्कुल जी, बिल्कुल। मैं अपनी बहन से भी गुजारिश करूंगा कि बीच में चिल्लाएं ना, मेरी बात ध्यान से सुन लें। पूर्ववर्ती सरकारों में इस तरह के रैकेट सिस्टम का पार्ट होते थे और ये जो भ्रष्टाचार होता था सुनियोजित सरकार के संरक्षण में होता था। लोक सेवा आयोग उसकी बीती जाती उदाहरण है कि उसमें किस तरह के लोगों की नियुक्तियां की गई, किस तरह की सूची बनी, किस तरह के लोगों की। बच्चे बेरोजगार हैं, तभी बच्चे बेरोजगार हैं। पूर्ववर्ती सरकारों ने सब चोरी। आपके पास आ रहे हैं, जवाब देने दीजिए। विवेक जी को भी जवाब देने दीजिए। ये बेकार की बातें हैं जी। अपनी बातों का 15 परीक्षाएं कैसे लीक हुई? 15 परीक्षाओं के पक्षी कैसे लीक हुए? ये तो बस इसका जवाब दे दें। किसी भी परीक्षा में अनियमितता बर्दाश्त नहीं करेंगे। पेपर लीक की हरकतें हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। अरे अनियमितताएं आपकी सरकार में क्यों हो गई? और आप इस तरीके से तो पूरी सरकारी नौकरी को संदेह के घेरे में ला रहे हैं। संदेह के घेरे में ला रहे हैं आप लोग। आप अपने कर्तव्यों पे जरा ध्यान दें। उस दौरान जो लोग नौकरी पाए हैं आपके। विवेक जी अपनी बात पूरी कीजिए। मैं सिखा जी बहुत जिम्मेदारी से कह रहा हूँ, जो पूर्ववर्ती सरकारें थी ये रैकेट उनके संरक्षण में पनपे और तो इन पे आप लगाम क्यों नहीं लगा पाए? आपके पास तो 5 साल का वक्त पूरा होने वाला है। कार्रवाई हो रही है जी, और उसमें समय नहीं मिल पाया। पागल किया जा रहा है कानून के दायरे में, जो पर्चे छापने निकालने नकल करवानी ये सब करने के लिए समय चाहिए होता है। लोगों को पकड़ेंगे कैसे? इतना हो तो मेरा काम ऐसे अपराधियों को भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है। और हम फिर कह रहे हैं 15 नहीं, अगर 3 परीक्षाएं रद्द करनी पड़ेंगी। हम एजेंसियों को सिस्टम बहाल करने के लिए संकल्पित है। और एक मान लीजिए कि आप लोगों को नौकरी नहीं देनी, ना आपके बस का है नौकरी देना, ना आपके बस का है कुछ कराना, ना परीक्षा कराना आपके बस का है। कोई सिस्टम, कोई मैनेजमेंट आप लोगों के पास होता तो ये स्थिति नहीं होती कि 4.5 साल में 15 परीक्षाओं के पर्चे लीक हो गए होते। आप ये पूर्ववर्ती सरकार करके क्या जनता को गुमराह कर रहे हैं? जनता देख रही है कि 4.5 साल में आपने कितनी नौकरियां दी। आप लोगों का पैसा हड़प रहे हैं, आम नवयुवकों का पैसा हड़प रहे हैं। ये सबसे बड़ा भ्रष्टाचार है भारतीय जनता पार्टी की सरकार में, उसको जानिए। जनता को जवाब देना पड़ेगा आपको। ये पूर्ववर्ती सरकार तो पूर्ववर्ती थी, अब आप पूर्ववर्ती होने वाले हैं और जवाब आपको जनता देने वाली है। ये, बच्चों ये, के पैसा पैसा नहीं होता। देखना बंद करिए। जिनके सारे पेपर हो गए थे उन लोगों ने कहा है कि हम तीसरे सेक्शन पे पहुंचे हैं जब ये परीक्षा निरस्त की गई। सारे आपके सॉल्वर बैठे हुए थे क्या? जिस तरीके से आप कह रहे हैं कि पूर्ववर्ती सरकारों में ऐसा हुआ तो मतलब उत्तर प्रदेश में जो नौकरियां मिलती है वो नकल करने वालों को मिलती है? उत्तर प्रदेश के युवा इतने बेकार हैं कि वो नकल के बल पर नौकरी पाते हैं? कैसी बातें कर रहे हैं आप? अपनी तरह का नेता समझ रखा है क्या उन्हें कि नकल कर करके पास होंगे? पढ़े लिखे युवाओं को लिए आप क्या शब्द यूज कर रहे हैं कि पिछले 12 से 17 तक जिनको नौकरी मिली वो नकल करके पास हुए? 12 से 17 तक जिसको नौकरी मिली वो नकल करके पास हुआ है? आप लोगों की तरह क्या बातें कर रहे हैं आप लोग? कुछ आप लोगों को अपनी बातों की जिम्मेदारी का एहसास है कि 12 से 17 तक उत्तर प्रदेश में जिसको सरकारी नौकरी मिली आपके अनुसार वो सब नकल करके पास हुए? कैसी बातें करते हैं आप लोग? और आप कराना धराना कुछ नहीं, ऊपर से आप दुनिया भर की बातें कर रहे हैं कि पूर्ववर्ती सरकार खराब थी, हट गई। आपसे सवाल पूछना चाहूंगी जी। विवेक जी
मैं समय चाहूंगी शिल्पी जी, जिस तरह से पहले की सरकार में देखा गया यानी कि सपा के शासन काल में देखा गया है, बहुत सारे ऐसे बयान आए थे जो विवादित भी रहे थे, वो चाहे गलती को लेकर हो कि हाँ बच्चों से गलती हो जाती है, वो चाहे नकल को लेकर हो, फिर ऐसे भी कई मामले सामने आए जिसमें देखा गया कि फर्जीवाड़े से लोग सरकारी नौकरी कर रहे हैं, इस पे क्या कहेंगे? अगर आज नहीं करी तब जी, आपने डिबेट क्यों नहीं करी तब? आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, डिबेट पे आप इनको कस रही हैं कि हमको कस रही हैं? हम दोनों से सवाल करेंगे, हमने दोनों से नहीं, मैं दोनों से सवाल कर रही हूँ। तो उस समय मैं दोनों से सवाल कर रही हूँ, सपा का कार्यकाल भी देखा, बीजेपी का कार्यकाल भी देख रहे हैं, और जिस तरह से आप अपना कार्यकाल ले लीजिए, आप सरकार बना लीजिए, आपको लग रहा है तो वो तो जनता बनाएगी, मीडिया क्यों बनाएगी? जनता बनाएगी, और हम यहाँ पे जनता की आवाज उठाते हैं। जनता, आप जनता की क्या आवाज उठा रहे हैं? आप लेके आते हैं ना किसी एक दोनों से सवाल करेंगे, क्योंकि यूपी में बीजेपी और सपा, यूपी और सपा दोनों ही टक्कर दे रहे हैं चुनाव में। सालों में बेरोजगार युवा आपका एक भी क्यों नहीं बैठा इस स्टूडियो में? कल ही चर्चा हुई है, कल ही प्राइम टीवी ने इस विषय पे चर्चा करी, और पूरे तीन दिन से बेरोजगारी पर चर्चा हो रही है। सपा के प्रवक्ता भी बैठे थे, बीजेपी और सपा दोनों के प्रवक्ता बैठे थे, बेरोजगारी की हुई थी चर्चा, और दोनों से सवाल किया जा रहा है। विपक्ष विपक्ष लगातार इसको मुद्दा बना रहा है, इसके कोई निष्कर्ष नहीं निकाल रहा है। ये जो नेता बैठा है भारतीय जनता पार्टी का, ये कह रहा है 12 से 17 तक उत्तर प्रदेश में सारे नकल करके पास हुए, आप इनसे सवाल न करके मेरे से क्या सवाल कर रही हैं? तो दोनों से सवाल करेंगे, ऐसा कुछ रूल नहीं है कि सिर्फ सत्ता पक्ष से करा जाएगा, विपक्ष से भी सवाल किया जाएगा। आप डिबेट पे रहें तो आप अपने पॉइंट पे रहें, इनसे पूछिए कि उत्तर प्रदेश के युवा के सारे जवाब देंगे, सत्ता को जवाब देने के लिए बुलाया है। सत्ता क्या जवाब दे रही है? सत्ता क्या जवाब दे रही है? आप भी तो अपने शासन काल के बारे में बताइए, क्या आपके में ऐसी नकल नहीं हुई? क्या आपके समय में नहीं, मुद्दे की बात करें, क्योंकि अगर भविष्य में आपकी सरकार आती है तो आप तो पेपर लीक होने के बाद में परीक्षा होने देंगे, भविष्य से खिलवाड़ होने देंगे, जो पात्र है उनको आप पढ़ने नहीं देंगे, आगे बढ़ने नहीं देंगे, जो नकल कर रहे हैं उनको आप पढ़ने देंगे? ये फर्जी लोग हैं, ये झूठे लोग हैं, तो इसीलिए तो आपसे सवाल पूछ रहे शिल्पी जी, अगर आपकी सरकार आ रही है तो आप कैसे परिवर्तन लाएंगी? जिस तरह से नकल हो रही है, आपकी सरकार आएगी तो कैसे उसमें बदलाव लाएंगी? कितने कितने घोटाले निकले, कितनी बार पर्चे लीक हुए सपा के सरकार में, बताइए विवेक जी, जवाब लेके बैठी है आप, सवाल ये कर रही है? बिल्कुल, हम तो दोनों से सवाल करेंगे, हम दोनों से सवाल करेंगे, और हम यहाँ सवाल करने बैठे हैं, जवाब देने नहीं बैठे। आपका होमवर्क यहाँ पे, हाँ हमारा होमवर्क है, और हम यहाँ एंकर यहाँ सवाल करने बैठा है, जवाब देने नहीं बैठा, यहाँ पे सिर्फ सवाल करने हम बैठे हैं, जवाब देने के लिए सपा और बीजेपी बैठे हैं। करने ना बैठे, वो एंकरिंग करने ना बैठे, आप बताइए सपा ने कितने पर्चे आउट हुए, बताइए पहले आप। सपा में पर्चे आउट हुए, आप ये बताइए कि जब दोनों का शासन काल हम देख चुके हैं, और आने वाले समय में बीजेपी और सपा दोनों में से किसी की सरकार आ सकती है, तो दोनों से सवाल करेंगे? अरे मीडिया सरकार बना लेना भाई, मीडिया क्यों बनाएगी? जनता बनाएगी, जनता का काम है, जनता का काम है सरकार बनाने का, और विपक्ष सिर्फ मुद्दों को उठा रहा है जी। जब डेटा नहीं है आपके पास तो फालतू का आरोप, पूरा डेटा है, डेटा दीजिए, क्या आपके आप साबित कर दीजिए कि आपके शासनकाल में एक भी पेपर लीक नहीं हुआ या नकल नहीं हुई? आप डेटा, अरे आप डेटा, आप डेटा दीजिए, हम यहाँ सवाल करने बैठे हैं, हम यहाँ सवाल करने बैठे हैं, बात कर रहे हैं, हम यहाँ सवाल करने बैठे, और हम सिर्फ सवाल करेंगे, हम जवाब नहीं देंगे, और किसी ऐसे बेतुके सवाल का जवाब बिल्कुल नहीं देंगे। आप साबित कर दीजिए कि आपके शासन काल में एक भी पेपर लीक नहीं हुआ या नकल नहीं हुई? सपा सरकार में भी पेपर लीक हुए हैं, अगर ऐसा ना हुआ होता तो सरकार क्यों बदलती? आप जवाब दीजिए विवेक जी, आप जवाब दीजिए। समाजवादी पार्टी के ये लोग मीडिया की बात किसी को सुनने नहीं देंगे, पत्रकारिता का गला घोटना इनकी पुरानी आदत है, और ये कोई आज के लोगों के आचरण में नहीं है। मैं बार बार कह रहा हूँ कि पूर्ववर्ती सरकारों में ऐसे भ्रष्टाचार, ऐसे अपराध सिस्टम का पार्ट होते थे, उनको सरकार का संरक्षण प्राप्त होता था, सरकारी संरक्षण में इस तरह के रैकेट पनपते थे। भारतीय जनता पार्टी में ऐसे रैकेटों के ऊपर कार्रवाई दर कार्रवाई हो रही है जी। और उनको उनके रैकेट को नेस्तनाबूद करने का काम भाजपा की सरकार में हो रहा है, और हम एक एक परीक्षा एजेंसियों की शिक्षा बहाल करने के लिए संकल्पित है। ये आप 15 पेपरों की लिंक की बात करें, हम कहते हैं अगर 30-20 पेपर हमें रद्द करने पड़े हम करेंगे, लेकिन एक एक एजेंसी की बहाल होगी,
एक भी अयोग्य व्यक्ति चयनित नहीं होगा भाजपा की सरकार में। काम तो किया जा रहा है लेकिन बेरोजगारी क्यों है विवेक जी? देखिए विपक्ष तो यहाँ से पूरी डिबेट छोड़ के भाग गए क्योंकि वो जवाब नहीं देना चाहते कि उनके शासन काल में कितने पेपर लीक हुए, कितनी नकल हुई। विपक्ष तो इसमें जवाब नहीं देना चाहता, सरकार बनाने के लिए है, लेकिन वो यहाँ पे सवाल के जवाब देने से बच रहे। हम आपसे जवाब चाहेंगे कि क्यों बेरोजगारी है, क्यों जो छात्र है वो सड़क पे प्रदर्शन कर रहे हैं? जी बेरोजगारी उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा प्रदेश है देश का, बिल्कुल सबसे ज्यादा जनसंख्या यहाँ निवास करती है, सबसे ज्यादा युवक यहाँ पे है। बेरोजगारी पूरे कोरोना काल में हर जगह बढ़ी हुई है, यहाँ भी बढ़ी हुई, कोई नई बात नहीं है। जनसंख्या की वृद्धि दर देख लीजिए, बेरोजगारी की वृद्धि दर देख लीजिए, आपको एक अनुपात समझ में आ जाएगा। देखिए सरकार आज के देश में केवल सरकारी रोजगार को ही रोजगार मानने से समस्या का समाधान होने वाला नहीं है, बिल्कुल। लेकिन जो छात्र अपना भविष्य देख रहे, सरकारी नौकरी में दिन रात एक करके पढ़ रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, परीक्षाएं हो नहीं रही हैं, कोरोना की वजह से दो साल टली, जब पेपर होने लगा तो फिर वहां पे पेपर रद्द कर दिए जाते हैं। उन्हीं की मेहनत बर्बाद ना जाने पाए, नकल रैकेटों के पक्ष में न जाने पाए, इसीलिए सरकार कार्रवाई कर रही है। ऐसे नकल की रैकेट, ऐसे पेपर आउट कराने वाले रैकेटों पे कार्रवाई हो ताकि परीक्षा एजेंसियों की शिक्षा बहाल हो सके, परीक्षा ईमानदारी से हो सके, और ईमानदारी से अध्ययन करने वाला, मेहनत करने वाला छात्र परीक्षा में उत्तीर्ण हो सके, इसके लिए सरकार संकल्पित है। मैं परसों विपक्ष की एक बड़ी नेता के साथ डिबेट में था, नाम भी मैं ले रहा हूँ, सुभाषी अली जी कानपुर की है, पूर्व सांसद हम लोग के, मतलब जो हम लोग बचपन में तक जमाने के सांसद है, उन्होंने कहा साहब उतने जल्दी कार्रवाई कर दिया। हमने कहा वाह साहब कार्रवाई कर दो, साहब बहुत जल्दी कर दिया, ना करो कहेंगे साहब सरकार के काम में क्यों नहीं रेंग रहा है। तो ये विपक्ष है, इनको स्थिति है कि कितनी मेरी पटनी मेरी ऊंट मेरे बाप का, इनको हर हालत में सरकार के ऊपर आरोप लगाना है, उनके आरोप से सरकार। लेकिन सवाल तो उठ रहा है ना विवेक जी, क्योंकि लगातार जो छात्र है, जो पात्र है, उनकी उम्र बढ़ती जा रही है और वो जो है ना ही परीक्षा दे पा रहे, ना उनको नौकरी मिल रही है। कई लोग, कई अभ्यर्थी अभी भी इस इंतजार में बैठे हैं कि उनकी भर्ती होगी, प्रदर्शन में बैठे। आखिर क्यों प्रदर्शन में बैठे, सरकार क्यों नहीं उनकी बात सुन रही है? देखिए देखिए शिखा जी, जिन लोगों ने जिन भर्तियों के फॉर्म भरे हैं, जी जिन लोगों ने जिन भर्तियों के फॉर्म भरे हैं, उनका उन भर्तियों में चाहे परीक्षा रद्द हुई हो, चाहे परीक्षा होने वाली हो, उसके उनकी तारीख में भरने में और जनतिथि से कोई असर नहीं पड़ने वाला है। वो भर्तियां परीक्षा महीने भर के अंदर कराने का मुख्यमंत्री जी ने आदेश दिया, 30 दिसंबर को उसकी तिथि भी घोषित हो चुकी है, सारी व्यवस्था की जा रही है। राज भी किया जा रहा कि बहुत चुस्त दुरुस्त व्यवस्था इस बार रखी जाए, जहाँ जो भी कमियां रही सरकार के स्तर पर, जिस भी स्तर पर उनको सुधारने की, उनको कार्रवाई करनी, कैसे ऐसे आयोग को चिन्हित करके सिस्टम हटाने का काम भी किया जा रहा है, बहुत तो गिरफ्तारी किया गया, उनके संपत्तियों पे बुलडोजर भी चलाए गए। नहीं, संपत्तियों पे बुलडोजर और काम हम यहाँ पे सुनने नहीं बैठे, हम यहाँ पे ये सुनने बैठे हैं कि यहाँ पे जो छात्र है उनके भविष्य से खिलवाड़ क्यों हो रहा है। पेपर लीक करके आप पारदर्शिता से कराना तो चाहते हैं, लेकिन ये जो डिले होता जा रहा है और उसमें जो पैसे खर्च हो रहे हैं जनता के, क्योंकि एक परीक्षा कराने में कई पैसे खर्च होते, ये आपको भी पता है, तो ये जो नुकसान हो रहा है इसकी भरपाई कैसे होगी? उन्हीं लोगों की संपत्तियों से वसूला जाएगा, जो लोग पेपर कांड लीक कांड में शामिल है उनकी संपत्तियां जब्त करके सरकार उसको उचित वसूली करे। जी विवेक जी, जो जो 69,000 भर्ती को लेकर प्रदर्शन चल रहा है, उस पे क्या कहेंगे? क्यों इतने महीनों से प्रदर्शन चल रहा है, सरकार कोई सुध नहीं ले रही है? 69,000 शिक्षक भर्ती, 69,000 शिक्षक भर्ती में क्या दिक्कत आ रही है? तो जो भर्ती अभी तो हो चुकी है, तो वही तो पूछ रहे हैं कि सरकार क्यों नहीं सुन रही, क्यों छात्र प्रदर्शन पे बैठे हैं? देखिए अब उनका जो विषय है ओबीसी आरक्षण के किसी नियम विषय को लेकर के है जी। उनका आरोप है कि उसके अनुसार पालन नहीं किया गया जी। तो जो भी उनके आरोप भर्तियां हो चुकी है, तो अगर कोई प्रदर्शन कर रहा है, कोई प्रदर्शनकारी है, तो क्या सरकार का दायित्व नहीं है कि उनसे बैठ के चर्चा की जाए और उसका निष्कर्ष निकाला जाए? सर्दी गर्मी बारिश में लोग बैठ के प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या सुनवाई नहीं होनी चाहिए? उन्होंने कई स्तर पे वार्ता कर ली है,
जी मंत्री सरकार तमाम अफसरों वार्ता हो चुकी और उनका कहना है कि साहब हमारे पास अनुसूचित आयोग की रिपोर्ट है, तमाम चीजें मैं भी एक दो बार दिवसों में उसमें शामिल रहा हूँ जी, तो वो विषय है उनसे उनसे बार बार कहा गया कि भाई यदि आपको लगता है कि सरकार के स्तर पे आपको न्याय नहीं मिला कहीं से, आपके लिए उच्च न्यायालय के दरवाजे खुले हुए हैं, उच्च न्यायालय तो काम भी अध्यापकों के ट्रांसफर पोस्टिंग में गाइडलाइन जारी करता है, चले जाइए आपको भी गाइडलाइन दे देगा, तो अगर आपको लगता किसी नियम विशेष की अवहेलना हुई तो आपके लिए उच्च न्यायालय के रास्ते खुले हुए हैं, उसमें धरना प्रदर्शन क्या हो सकता है जी। तो जो ये पूरी प्रणाली है, शिक्षा प्रणाली है, उसमें किस चीज में कमी आ रही है जो कि समय से पेपर नहीं हो पाते हैं, उसके बाद जब पेपर हो जाते हैं तो लिस्ट नहीं आ पाती है और उसके बाद नौकरी नहीं मिल पाती है, तो ये जो पूरी प्रणाली है इसमें कहाँ कमी आ रही है, इसको दुरुस्त किस तरह से किया जाएगा? फॉर्म भरने के बाद उसकी परीक्षा हो, परीक्षा ईमानदारी से हो, पेपर लीक जैसी घटनाएं ना हो, उसमें कहीं कोई भाई भतीजा वाद ना हो जैसे कि पूर्ववर्ती सरकारों में होता था, उनको फुल प्रूफ करते हुए उनको नियुक्ति पत्र दिए जा रहे हैं, तमाम परीक्षाएं फुल प्रूफ होकर के नियुक्ति पत्र भी पाए, अभी कुछ दिन पहले सिंचाई विभाग का सहायक अभियंताओं की नियुक्ति हुई है, इससे पहले PWD के लोगों की नियुक्ति हुई है, बैठा नहीं है, तमाम एजेंसियां चुपचाप हाल की गई है, उनमें काम हो रहा है, जहां कहीं गड़बड़ी की शिकायत सरकार मिले सरकार बिना समय गवाए इस पर कार्रवाई कर रही, और कार्रवाई हम करेंगे, हम आज भी कह रहे हैं, आप 15 परीक्षाओं को रद्द करने की बात करें, अगर कुछ परीक्षाएं उनकी हमको भी रद्द करेंगे, और जो एग्जाम अभी तक हुए नहीं है, अभी भी डीले चल रहे हैं, वो कब होंगे? क्योंकि अब देखा जा रहा है कि कोरोना की तीसरी लहर आ रही है, फिर से लॉकडाउन लगेगा, तो जो बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ हो रहा है, आखिर उसपे कब निष्कर्ष निकलेगा? देखिए अभी ये कहना थोड़ा सा अपने आप में अप्रासंगिक होगा कि कोरोना की तीसरी लहर आ रही है, इसके जनमानस में थोड़ा सा भय निजात होगा, जब तक सरकार की तरफ से कोई एडवाइजरी ना आ जाए तब तक ऐसी कोई बात हम आप ना करें, हम आप जिम्मेदार से बैठे हैं, आप जी, लेकिन ये जिस तरह से जी हमारे जिस तरह से विशेषज्ञ कह रहे हैं, पहले से ही चेता रहे, WHO भी कह रहा है, एक ना एक दिन जिस तरह से लापरवाही देखने को मिली, अगर केस बढ़ते हैं तो अगर इस तरह की स्थिति आती है तो क्या फिर डीले नहीं होंगे? देखिए कोरोना एक वैश्विक महामारी है, सदियों में ऐसी महामारी नहीं आती, अब कोरोना की चपेट में आने से जो परीक्षाएं प्रतिबंधित होती है तो उसकी न सरकार दोषी है न उसके लिए परीक्षार्थी दोषी है, उसके लिए तो सिर्फ यही कहा जा रहा है कोरोना का समय है, उसके लिए जो अगर ऐसा कोई होता है जिसे तो उनकी एक अगर इसके कुछ प्रभावित हो तो उनको एक रिलीफ दी जाएगी सरकार के द्वारा, या आगे ऐसा देखा जाएगा अगर ऐसा कोई समस्या उत्पन्न होती है, फिर भी जो फार्म भरे गए जिस ग्रुप में भरे गए जिस जनतिथि के अनुसार भरे गए उनको उसी तिथि के अनुसार परीक्षा देने का अवसर दिया जाएगा, जो बिल्कुल हम भी यही आशा करते हैं कि इस ओर ध्यान दे सरकार और छात्रों के भविष्य से खिलवाड़ ना हो। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम चर्चा के लिए। इस खबर पर हमारे साथ सपा से प्रवक्ता शिल्पी चौधरी और बीजेपी से नेता विवेक श्रीवास्तव जुड़े थे। तो सरकार से तो सवाल बनता है क्योंकि सरकार इस वक्त सत्ता में है और जिस तरह से ये इस वक्त की परिस्थितियां हैं, जिस तरह से छात्र प्रदर्शन कर रहे हैं, इन सभी चीजों को देखते हुए सरकार से सवाल बनता है और लगातार प्राइम टीवी सवाल कर रहा है, वो चाहे सत्ता हो या विपक्ष हो। और जिस तरह से आज सपा की प्रवक्ता शिल्पी चौधरी जी जवाब देने से बचती नजर आई हैं, वो बता रही हैं कि उनके शासनकाल में भी कमियां देखने को मिली है, पेपर लीक हुए हैं, ये इतिहास गवाह है और इससे कोई मुकर नहीं सकता है। आने वाले वक्त में किसी के भी सरकार बने, जनता ये नहीं भूलती है कि किसके शासनकाल में क्या हुआ था और क्या कुछ कमियां देखने को मिली थी। एक दूसरे पर आरोप लगाना आसान बात है, लेकिन अपनी कमियों को सुधारना वो अलग बात है। जिस तरह से बीजेपी से पूरा विपक्ष सवाल कर रहा है, मीडिया सवाल कर रही है, लेकिन हम यहाँ पक्ष और विपक्ष दोनों से सवाल कर रहे हैं, कल किसकी सरकार हो और वो किस तरह से काम करे, इस ओर हमारा ध्यान है और इसीलिए हम हर किसी से सवाल कर रहे हैं, वो पक्ष हो विपक्ष हो, हम सभी से सवाल करते हैं। फिलहाल इस वीकेंड चर्चा में इतना ही। तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। अरे भाई टू